साढ़े इस प्रोग्राम विच अज साढ़े नाल ने सरदार जतिंदर सिंह शंटी जिन्हां नू एज ए सिख मैक्सिमम ब्लड डोनेट करन दा अवार्ड दिता गया। असीं उन्हां नाल जी आयां आखदे अपने प्रोग्राम विच। शंटी जी, आप जी का स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शंटी जी, सब तो पहले असीं पुछना चाहांगे कि जेड़ा आप जी नूं अवार्ड मिलिया है मैक्सिमम ब्लड डोनर दा, एज ए डोनर सिंह भी तुहानूं कहा जा रहा, तो क्यों जा फील हो रहा है? क्यों जा श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा नाल 22 साल की उम्र तो मैं ब्लड डोनेशन शुरू किया सी, और चांस ही ऐसा बनया सी कि मेरे गुआंढी एक परिवार से उन्होंने ऑपरेशन से, तो उन्होंने खून मंगया, तो मेरे माता जी ने कहा कि मेरा बेटा खून दे के आएगा। वो मेरी पहल सी। उस दिन तो बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, जब मैं किसी को खून देना तो बड़ी असीसा भी देंगे ने, तारीफा भी करते हैं, अपने आप में दिल में भी लगता है कि असी कुछ चंगा काम किया। वो मैं शुरुआत ऐसी की सच्चे पातशाह ने कराई कि फिर मैं ब्लड कैंप्स करने शुरू करते, शहीद भगत सिंह सेवा दल SBS फाउंडेशन के राही, ठीक है, दिल्ली अपने विवेक विहार तो शुरू करके, तो तिलक नगर सोनू वीर जी करते, फरीदाबाद सलीम करता, इस तरह करते करते साड़ा काम वधा चला गया। इत्थे तक कि बॉम्बे भी असी मुलुण दे विच कुलजीत वीर जी, अंधेरी विच गुरजोत दी उल्का नायर जी, वधा चला गया काम। और अज करते करते बाबा जी ने कृपा की कि कैंप्स तो मेरे 145 हो चुके हैं, और परसनली मैं एक सेंचुरी जी बनाई है, और जो सारा देखा गया तो विश्व का दुनिया का सिखा दे विच मेरा पहला नाम आ गया है, बाबा जी ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की कृपा हुई है, और बहुत ही मान सम्मान मिल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है और दिलों अच्छा लग रहा है। जेड़ा ए आप जी ने एक कौम लई काम किया, कौम लई नहीं कहांगा मानवता लई जेड़ा काम किया है, तो ये धार्मिक या राजनीतिक जिहड़ियां संस्थावां ने या है ने उन्हां वल्लों भी कोई रिस्पोंस या इनकरेजमेंट की वेखण नूं मिल रही है? सब तो पहली गल तो मैनूं खुशी है कि जिस दिन मेरा 100वां रक्तदान होया तो साढ़े पूर्वी दिल्ली तो क्रिकेटर हिंदुस्तान के मशहूर जड़े ने विश्व के गौतम गंभीर जी, साढ़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट भी ने, पूरे ब्लड डोनेशन के वेले मेरे नाल खड़े रहे हैं, मेरा हौसला बधाना से, तो उस तो बाद फिर उन्होंने मैं जो डोनर सिंह का अवार्ड देता, बड़ा दिल में चंगा लग्या कि उन्होंने मैंने इन्ना साथ दिता। और दिल्ली गौरमेंट की तरफों दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल और इंडियन ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने दोनों ने मिलकर मैं मौलाना आजाद हॉस्पिटल के दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सैकटरी के राही बुला के उन्होंने सेंचुरियन अवार्ड दिता। तो बड़ा दिल में बड़ा अच्छा लगा कि अज किसी ने साड़ी कदर पाई है। और उस तो बाद साड़ी अकाली दल दे श्रोमणी अकाली दल बादल दे माणयोग प्रेजिडेंट साहब सुखबीर सिंह बादल जी ने घर बुला के मैनू मान सम्मान दिता, नाले मैनू ट्वीट किया, फेसबुक ते पाया, बीबा हरसिमरत कौर बादल जी माणयोग मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया, उन्होंने भी घर बुला के मैनू मान सम्मान दिता। उस तो बाद साढ़े दिल्ली के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजिडेंट साहब मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जनरल सैकटरी साहब हरमीत सिंह कालका जी, और उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी जिहड़े पूरे इंडिया के प्रधान बने ने कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा साहब, उन्होंने घर मैनू बुलाया, सम्मान दिता, शाहनवाज हुसैन जी ने बुलाया, और उस तो बाद साढ़े सिद्धार्थन जी, श्याम जाजू जी, मतलब मैं दस सकना कि बहुत वड्डी वड्डिया हस्तियां ने, हरदीप पुरी जी और मनोज तिवारी जी जिहड़े कि दिल्ली के प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने भी मैनू घर बुला के बहुत सम्मान दिता जी। उस तो बाद दिल्ली हिंदुस्तान के जिहड़े मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी घर बुला के मैनू मान सम्मान दिता, तो मैनू लगता है कि ये एक जड़ा सम्मान का सिलसिला चलिया है। और सब तो वड्डी गल कि विश्व के मन्ने प्रसन्ने पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी, उन्होंने मैनू कल घर बुलाया अपने घर लंच ते, उस तो बाद घटो घट 1.5-2 घंटे मेरे नाल लगाए, फिर उन्होंने ट्वीट किया, उन्हें फेसबुक पर पाया, मैसेज भी दिता, लाइव भी किया, और उस दे नाल नाल उन्होंने एक होर बड़ा वड्डा काम किया है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जिदे वो 70 कंट्रीज़ दे ब्रांड एंबेसडर ने, उन्होंने तुरंत उत्थे अनाउंस किया कि मैं 1 अगस्त को जिस दिन मेरा जन्मदिन आता है, कहिंदे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड जड़ा है वह मैनू दिता जाएगा। तो ये मैं बड़ा हौसला मिलया जी, और मेरे परिवार को भी बड़ा हौसला मिलया जी कि जो मैं अज तक करता रहा वहाँ मेरे परिवार का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, मेरे दोस्तों का, शहीद भगत सिंह सेवा दल के सारे मेरे साथियों का मैं कि धन्यवाद करा।
बहुत ही मान सम्मान मिले जी। ये जेड़ा ब्लड डोनेट आप वालों किया जा रहा है या कैंप लगाए जा रहे हैं, तो आम जी लोकाई हैगी है जी, उसनों आप की मैसेज देना चाहोगे? सब तो पहले तो मैं एको मैसेज सबन देना वा कि ब्लड जड़ा है वह किसी पेड़ नाल नहीं बनता। जापान वर्गा मुल्क भी ब्लड दी आविष्कार या निर्माण नहीं कर सकया। किसी जीव जंतु का खून किसी इंसान को नहीं चढ़ सकता। ठीक है, एक यूनिट जरा असं खून लें चार चीज़ें अलग अलग कम कंपोनेंट्स काम आते हैं, किधर एफ एफ पी काम आता है, कितने वह होल ब्लड काम आता है, कि प्लाज्मा काम आता है। वो तुम समझ लो कि एक यूनिट खून जरा देंगे दे ना चार लोगों की जान बचती है। दिल्ली वर्गे शहर च 5 लाख यूनिट एक साल के चाहिए होंगे, लेकिन डोनेशन जी वॉलंटरी 2-2.5 लाख है सारी। वो फिर कुछ घर वाले देंगे ने, कुछ सज्जे खब्बे दूजे प्रदेशों तो मंगाते हैं जिते बच जाता ब्लड। मैं सबन एको सलाह दिना जी, कोई भी बंदा जरा 18 और 62 साल के है जिदा वजन 50 किलो तो ज़्यादा है, 12.5-13 तो ज़्यादा हिमोग्लोबल होए, उन्हों असी स्वस्थ मनने आ, अच्छी खुराक खाता होए, 4 बारी दे सकता जी साल के, कोई फर्क नहीं पैंदा जी। तो मैं समझना वा कि जब खून देने इन्ने फायदे ने, फायदे अपने शरीर में भी ना, नहीं साड़ा कोलेस्ट्रोल घट हुंदा है, सानू हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्लॉट्स निकल जाते हैं। और अज तो साइंस भी कह रही है कि कई एवो जे कैंसर ने जो ब्लड डोनेट करते करते कैंसर रुक जाता है छोटे मोटे, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है साढ़े शरीर च, और लंग्स ज़्यादा काम करते हैं जो खून देने, फिर नवा ब्लड बनता है जी। और कुछ भी ना करो तो 24 घंटे सीधा रोटी भी खाओ तो साड़ा ब्लड बन जाता है। मैं 100 बार खून दिता, मैं तो लगता ही नहीं, मैं तो 6 किलोमीटर सैर भी करना रोज़, घूमता फिरदा वा, सिंपल खुराक खाना वा। तो मैं लगता है हर बंदे हर नौजवान हर साड़ी भैनों भरावान सारे ब्लड डोनेट करना चाहिए। और वैसे एक मैं डायलॉग भी दिता से अच्छे 2-3 साल पहले कि रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, यानी ब्लड डोनर जड़ा हीरो है, या तो वह खून देगा या फिर उपर वाला वाहगुरु सच्चे पातशाह देगा, विचकार को जरिया नहीं जाएगा। तो इस करके मैं लगता है खून देना बहुत अच्छी गल है, सारे वह चढ़ के आना चाहिए। जिन्हिया साड़िया धार्मिक संस्थावान ने गुरुद्वारे मंदिर मसीतां, इन्हों भी एफर्ट्स करना चाहिए। क्यों ना करिए, क्यों ना करिए कि जब तुहाडे एक थोड़े जे खून देना किसी जान बचती है। ठीक है, असं धार्मिक काम करने, सानू महाराज के चरणा जाना है, मत्था टेकना है, सेवा करनी है लंगर दी जोड़ियां दी, पर यह बड़ी वड्डी सेवा जी, मानवता दी सेवा, सब तो मानवता दी सेवा। गुरु नानक का जो सिद्धांत है मानवता दी सेवा है, वह जी सब तो वड्डी सेवा। और इस वारी तो एक होर उपराला होने जा रहा है दिल्ली के, 14 अगस्त को 550 साल साहिब श्री गुरु नानक देव साहब का जरा प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष पूरी दुनिया मना रही है जी। असी बंगला साहब गुरुद्वारे लखी शाह वंजारा हाल के 550 साल के 550 यूनिट के असी कैंप लगा रहे हैं जी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर हेठा जिदा कोआर्डीनेटर मैंने ही बनाया प्रधान साहब ने, तो मैं सारिया संगत दूर दूर दिया जिते मेरा जिते तक वीडियो वायरल होंगी है बेनती करा कि 14 अगस्त आने वाली सवेरे 9 बजे तो लैके 1 बजे तक रकाबगंज साहब गुरद्वारा दिल्ली लखी शाह वंजारा हाल विखे आप जी सारे हुम आ के आओ। आने तो पहले हुणे तो ही तुसी अपना नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हो, फोन नंबर मैं एक बोल रहा वहाँ तुसी नोट कर सकते हो, 8750905050 8750905050 है मेरा नंबर है पर्सनल। आप जी ये मैं अपना नाम फोन नंबर मेल एड्रैस ताकि असी कन्फर्मेशन करते जाइए कि साढ़े किन्ने डोनर आने ने, क्योंकि 200 नाम आ ही चुके हैं सानू हुण तक। ठीक है, तो मैं समझना एक बड़ा वड्डा उपराला होएगा दुनिया के नाम जाएगा कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी के नाम तो असी उन्होंने याद करते हुए उन्होंने एक श्रद्धांजलि देते हुए सच्ची श्रद्धा दिलों संगत 550 यूनिट ब्लड देनगे। और सारे जो ब्लड डोनेट कर आएंगे DSGMC द्वारा उन्होंने एक एक सर्टिफिकेट एक एक मैडल वो अपने मुख्य अतिथि को दवाया जाएगा। तो मैं सारे अगर बेनती करना कि तुम भी वध चढ़ के ये हिस्सा लवो, ताकि समाज भी इज्जत करे, साड़ी कौम भी इज्जत करे, सरकारां भी इज्जत करन, प्रशासन भी इज्जत करन। जे मैनू इन्ना मान सम्मान मिल रहा है तो आप जी ने भी मिल सकता है, तुसी वध चढ़ के अगे आओ, यही मेरी गुजारिश है जी। ब्लड डोनेशन एक मानवता की सेवा का काम जो पिछले कई सालों तो जतेंद्र सिंह शंटी कर रहे ने, और अज उन्होंने 100 यूनिट ब्लड देने तो बाद पूरे वर्ल्ड दे विच मैक्सिमम ब्लड डोनर एज ए सिख माण मिलिया है। असी उन्होंने बधाई देने और
अपने दर्शकों को भी अपील करांगे कि इस जड़ी मुहिम है ब्लड डोनेशन विच जड़ी तुसी भी अपना ब्लड दे के इस मुहिम में तुसी उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हो। दास भी शायद पिछले 20 साल तो इस संस्था नाल जुड़िया है और ब्लड डोनेशन दे विच रेगुलर कैंप करीदा है और कैंप लगा के मानवता की सेवा कर रहे हैं। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा। मैं एक गल होर कहना चाहवांगा संगत नूं कि जड़ी मेरे दिल चो निकलती है हमेशा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।